हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट तुम्हें अगर चैप्टर को आगे बहुत आसान बनाना है तो इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है शुगर यूनिट्स के बेस पर, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट गिवन है उसमें शुगर यूनिट कितनी है। तो इसका पहला टाइप है मोनोसैकेराइड। तो नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि मोनोसैकेराइड है, तो मतलब उसमें एक शुगर यूनिट प्रेजेंट है, या फिर आप ये कह लीजिए कि सिंगल मोनोमर उसमें है, जिसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, ईटीसी। तो जब उसमें एक शुगर यूनिट या फिर एक सिंगल मोनोमर है, तो आप जब उसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है हाइड्रोलाइज करने का। तो दूसरा टाइप है ओलिगोसैकेराइड, जिसमें 2 से 10 यूनिट शुगर यूनिट प्रेजेंट होती हैं। तो इसको भी हमने कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर 2 शुगर यूनिट है तो उसे डाइसैकेराइड बोलेंगे, 3 शुगर यूनिट है तो उसे ट्राइसैकेराइड बोलेंगे, और 4 यूनिट है तो उसे हम टेट्रासैकेराइड बोलेंगे। और ऐसे ही आप 10 तक इसे देख लीजिए। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइसैकेराइड है, तो उसमें आपको पता ही है कि 2 शुगर यूनिट्स होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब थर्ड एंड लास्ट टाइप है पॉलीसैकेराइड। जब 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट होंगी तो उसे हम पॉलीसैकेराइड के नाम से जानेंगे। उसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ईटीसी। तो दूसरा क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे। तो जो कार्बोहाइड्रेट वेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रेजेंट को रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, और जो वेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रेजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग हैं, और जितने भी हेमी एसिटल और हेमी कीटल हैं वो भी सारे के सारे रिड्यूसिंग हैं। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। और मेनली जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में डिफरेंस है वो ये है कि आपने अभी एग्जांपल देखे थे डाइसैकेराइड के, कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो माल्टोज और लैक्टोज तो रिड्यूसिंग है नेचर में, लेकिन सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज का चैप्टर में अलग ही रोल है, वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप कौन से होते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो उसे भी देख लेते हैं। तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल की सबसे बड़ी पहचान है कि एक ही कार्बन पे अल्कोहल और ईथर लगे होंगे, जबकि एसिटल और कीटल पे 2 ईथर एक ही कार्बन पे लगे होंगे। तो जेईई मेंस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बार अभी आना बाकी है कि कंपाउंड गिवन होगा तो उसमें या तो वो ये पूछ लेगा कि इसमें हेमी एसिटल कौन है, हेमी कीटल कौन है, या फिर इसमें रिड्यूसिंग कौन सा है कार्बोहाइड्रेट और नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है। तो आपको उसमें सबसे पहले हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल ही देखना है। आपको अगर बहुत ज़्यादा फास्टली क्वेश्चन करना है तो मेनली क्वेश्चन हेमी एसिटल पर ही आते हैं। तो आपको दो पॉइंट तो हमेशा याद रखने ही है कि अगर वो हेमी है, उसमें कहीं भी हेमी लग रहा है, तो उसमें एल्कोहल ग्रुप जरूर होगा, और एसिटल है तो उसमें एक हाइड्रोजन भी जरूर होगा उस कार्बन से जुड़ा हुआ। तो हेमी एसिटल को आप जोड़ के देखिए, तो हेमी एसिटल पे OH और H दोनों होने चाहिए, तो OH भी है और H भी है, तो बन गया हेमी एसिटल। और अगर हेमी कीटल है तो OH तो हेमी है तो OH होना चाहिए, लेकिन H नहीं होना चाहिए। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। वैसे आप सारे पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।